पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना का जमकर खून बहा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर दो अलग अलग जगहों पर बड़े हमले किए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने यह दावा किया है कि उन्होंने इस हमले में करीब 170 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। पाकिस्तान में इस समय जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस बड़े हमले के बावजूद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन में विंटर ओलंपिक्स का मजा ले रहे हैं। तो वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खुद ही ट्वीट करके बताया कि वो वर्डली नाम का एक गेम खेल रहे थे और उन्होंने उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है। बलूचों के हमले के बीच किए गए इस ट्वीट पर आरिफ अलवी को जब पाकिस्तानी लोगों ने घेरना शुरू किया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया। इस शर्मनाक हरकत के कारण आरिफ अलवी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। तो वहीं लोग इमरान खान को भी कोस रहे हैं कि आखिर क्यों वो ऐसे समय चीन चले गए। बहरहाल आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध की चिंगारियां तो काफी समय से सुलग रही थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान की सरकार ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी तो इन विरोध की चिंगारियों ने भयंकर आग का रूप ले लिया। आपको बता दें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यहीं से चीन की सबसे खतरनाक परियोजना यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। चीनी वर्कर्स बलूचिस्तान के लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं। इसी को देखते हुए बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इस भयंकर जंग में बलूचिस्तान के लोग भारत से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि साल 2016 में बलूचिस्तान की एक छात्र नेता ने PM मोदी के लिए राखी भेजी थी और कहा था कि बलूचिस्तान की बहनें उन्हें भाई मानती हैं। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। बलूचिस्तान के कई बड़े नेताओं ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तान से आजादी चाहिए और वो इसके लिए भारत समेत कई बड़े देशों से लगातार सहायता की मांग कर रहे हैं। प्रेजेंटिंग B News App, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store. डाउनलोड इट नाउ।